لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا قابل تکریم و توقیر بزرگان محترم متاع عزیز میرے نوجوان بھائیوں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حب رسول ایمان کی بنیاد ہے جس کے دل میں حب مصطفیٰ نہیں اس کا دل ایمان کی لذت سے خالی ہے حب مصطفیٰ بنیاد ہے ایمان کی کس درجے کی محبت اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے والد اپنی اولاد جتنے بھی رشتے ہیں جب تک ان سے بڑھ کر میں محبوب نہیں بن جاتا اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں کہلا سکتے اب یہ دعویٰ ہے کہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے عشق ہے مجھے جان سے مال سے اولاد سے اللہ کا نبی زیادہ پیارا ہے لیکن اس دعوے کی دلیل بھی تو ہوگی دنیا میں عدالت میں اگر کوئی دعویٰ لے کے جاؤ اگر بغیر دلیل کے جاؤ گے تو کیس خارج ہو جائے گا دلیل ہی کوئی نہیں لہذا دنیا کی چھوٹی سی عدالت میں ہم پہنچتے ہیں بغیر دلیل کے پہنچتے ہیں دعویٰ خارج ہے یہاں دعویٰ ہے عشق مصطفیٰ کا
यहां दावा है हुब्बे मुस्तफा का, और अगर दलील न हुई तो यहां भी दावा खारिज हो गया। यहां दावा खारिज हो गया तो शायद कोई छोटा मोटा नुकसान हो, वहां दावा खारिज हो गया तो सारी जिंदगी तबाह हो गई। अगर वहां दावा खारिज हो गया तो सारी जिंदगी तबाह हो गई, जहन्नम की आजाब, जहन्नम की आग मुकद्दर बन गई। और अगर दावा दलाइल के साथ कबूल हो गया तो फिर हमेशा हमेशा वाली राहतों वाली जिंदगी मिल गई। अब सवाल यह है कि जब दावा यह है कि मुझे नबी के साथ मोहब्बत है तो उस मोहब्बत के तकाजे हैं। पहला तकाजा, नबी की मोहब्बत का पहला तकाजा, पहला तकाजा अहले इल्म ने लिखा, तौकीरुहु व इहतरामुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला तकाजा नबी की मोहब्बत का यह है कि नबी का एहतराम और नबी की तौकीर दिलो जाम में आ जाए। जब ये भी तो दिल की बात है जी, लेकिन नहीं, तौकीर और एहतराम दिलो जाम में आकर तुम्हारे आमाल से भी जाहिर हो कि ये नबी का मुहिब जा रहा है, ये नबी का मुहिब जा रहा है। दिलो जान से नबी की मोहब्बत, नबी की मवद्दत साबित हो, तौकीर साबित हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम अकाबिर को देखते हैं तो अस्हाब मुस्तफा के लिए फरमाया कि जब बज़्मे मुस्तफा में अस्हाबे मुस्तफा बैठे होते थे तो यूं होता था कि जैसे आपके सरों पे परिंदे बैठे हैं, पूरी खामोशी, अदब यकसुई के साथ, एहतराम के साथ। और सिर्फ ये सहाबा तक नहीं, आज तक भी जिसने मोहब्बत रसूल का दावा किया है उसने मुस्तफा के साथ अपनी मवद्दतों का इजहार बेपनाह अपने अपने किरदार से किया है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला के बारे में आता है कि आपके पास मिलने के लिए कोई आ जाता था, पूछते थे कि पूछो खादिम से कि इससे पूछो क्यों आए हो, किसी दुनिया के मामले के लिए आए हो या कोई और मामला है। अगर वो ये कहता कि मैं हदीस मुस्तफ़ा सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आया हूँ, तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला बताया क्या करते थे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला फरमाते फिर इंतजार करो, फौरन गुस्ल फरमाते, कपड़े बदली करते, खुशबू इस्तेमाल करते, फिर बज़म में जुब्बा पहन कर फिर बज़म में तशरीफ लाते और फिर हदीसे मुस्तफ़ा को बयान करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तौकीर है नबी की बात को बयान करने की, प्रोटोकॉल है नबी की बात को बयान करने का। तो जब बात बयान करने का ये एहतमाम है तो उस बात को कबूल करने का कितना एहतमाम होगा। हदीसे मुस्तफा पढ़ा रहे हैं तो खादिम को कहा जाओ पानी ले आओ, तो मां को पता चला कि मालिक पानी मांग रहे हैं, इमाम मालिक।
तो माँ ने कहा कि मेरे बेटे को हदीस पढ़ाते हुए इतना अभी तक ख्याल है कि उसे पानी की जरूरत पड़ती है, तो आपके साथ बैठी हुई ख्वातीन ने कहा अम्मा बशरी तकाजा है, प्यास लग सकती है। कहा नहीं, इसे इतना ख्याल कैसे आया कि मुझे प्यास लगी है। कहा अम्मा अगर अपने बेटे के इश्क और मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहती हो तो फिर यूं करो कि पानी में सिरका डाल दो, ज्यादा डाल दो, तो अगर उन्होंने पानी घोंट लेकर छोड़ दिया तो पता चलेगा कि उनको एहसास है कि पानी में कुछ है, अगर पी गए तो पता चलेगा कि वो इश्क मुस्तफा में डूबा है, पता ही नहीं क्या पिया है। पानी लाया गया, गिलास उठाया, सारा पी गए, पता ही नहीं। एक दफा मजलिस में बैठे हैं, हदीस मुस्तफा सुना रहे हैं, चेहरे का रंग मुतगैयर हो रहा है, चेहरे का रंग मुतगैयर हो रहा है, हदीस का सबक पूरा हो गया। पूछा हजरत आज आपके चेहरे का रंग बार बार बदल रहा था, क्या वजह है? फरमाया कोई चीज पता नहीं, शायद देखो कोई काट रही थी, क्या था कुछ, तो देखा एक बिच्छू ने 17 डंग मारे हुए थे, लेकिन ये पसंद ना किया कि मेरे महबूब की बात रुक जाए और इमाम मालिक जो है बात रोक कर अपनी जान का दिफा करे। ये इंतहा है मोहब्बत। जब नबी की बात के बयान करने का ये एहतमाम है, फिर नबी की जिंदगी को लेने का एहतराम कितना होगा, फिर वो मकाम और मर्तबा कितना होगा। इसलिए मेरे रब ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना वाले रब ने फरमाया मेरे महबूब हमने आपको शाहिद बनाकर मुबशर बनाकर नजीर बनाकर हम भेजने वाले, जब भेजने वाले हमें तो आपके पैगाम में दुनिया तक पहुंचाने वाले भी तो हम ही हैं। जब आपके पैगाम को पहुंचाने वाले, जब आपको भेजने वाले हम हैं तो मेरे महबूब आपके पैगाम की हिफाजत करने वाले भी तो हम हैं ना, आपको क्यों भेजा। पहले हिस्से को मैं हज़्फ़ करके अगली बात की तरफ, ले तुमिनो बिल्लाहि व रसूलिह, आपकी बेइज्जत का मकसद यह है कि लोग आप पर और अल्लाह की जात पर ईमान ले आए, और जो ईमान लाने वाली जमात है वो क्या करेगी, वतुअज़्ज़िरू हाय हाय हाय,
उम्मत के दो काम बताए, उम्मत का काम ये बताया कि मेरे नबी हमने तेरी उम्मत को तेरा मददगार बना दिया, तो अज़िरू ताकि ये आपके मददगार बन जाएं, वतवक्किरू ताकि आपका इख्तराम करने वाले बन जाएं। रब्बुल आलमीन वो अल्लाह का नबी, मेरी क्या औकात कि मैं नबी का मददगार बनूं। अल्लाह इससे भी बड़ी बात फरमाते हैं, ओ मेरे बंदो अगर तुम मेरे मददगार बनोगे तो मैं तुम्हारा मददगार बन जाऊंगा। अल्लाह अकबर, कितनी जिम्मेदारी है उम्मत की मेरे दोस्तों, कितनी जिम्मेदारी। अल्लाह का मददगार ये बंदा, ये अल्लाह का मददगार कैसे बनेगा, ये अल्लाह का मददगार कैसे बनेगा, अल्लाह के नबी का मददगार कैसे बनेगा। पता ये चला कि जब ये उम्मत अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगी में अपने मुल्क में उसको नाफिज करने वाली उसको आगे बढ़ाने वाली बनती है तो इसका मतलब है ये अल्लाह और उसके रसूल के मददगार बन गए, उसके दीन के मुहाफिज, उसके दीन के चौकीदार। जब ये उम्मत बन जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मददगार बन गए। हम जरा सोचे तो सही, हमने अपनी जिंदगियों में अल्लाह के दीन की क्या मदद की, किस तरह मदद की, हमने उसके नबी के निजाम को नबी की बात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमने क्या किरदार अदा किया। वो नबी जो निजाम रहमत लेकर आया उस निजाम रहमत को नाफिज करने के लिए हमने क्या किरदार अदा किया, कौन सा किरदार हम अदा कर सके। अगर किसी जाविये में कोई किरदार है तो ये अल्लाह पे एहसान नहीं है, उसका करम है कि उसने हमें इस काबिल बनाया है। सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बावाज बुलंद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये उसका करम है कि उसने हमें इस काबिल बनाया है कि हम उसके दीन के सिपाही बन गए। आज लोग पाकिस्तान आर्मी में जब भर्ती होते हैं तो सच बताओ भर्ती होने वाला ममनून होता है या भर्ती करने वाला है। आप सिपाही भर्ती हुए, आप कमीशन ऑफिसर भर्ती हुए, आपको पता है मैंने जान देनी है कल मुल्क के दिफा के लिए, मैंने जान कुर्बान करनी है, लेकिन इसके बावजूद कितनी मिन्नतें करके कोई कमीशन ऑफिसर बनता है। अगर किसी के पास वो इस्तेदाद नहीं तो सिपाही बनने के लिए कितनी सिफारिशें। अगर कोई कमीशन ऑफिसर बन गया तो कितनी मुबारकबादियां। किस बात पर कि ये मुल्क का चौकीदार बन गया है, ये मुल्क का चौकीदार बन गया, इस पर इसे मुबारकबाद दी जाती है। तो अगर एक बंदा अल्लाह के दीन का चौकीदार बन जाए तो वो मुबारकबाद का मुस्तहिक नहीं है। जो नबी की हुर्मत का चौकीदार बन जाए, जो नबी की नामूस का चौकीदार बन जाए, जो नबी की हदीस का चौकीदार बन जाए, जो नबी की तालीम का चौकीदार बन जाए,
जो नबी के निजाम का चौकीदार बन जाए, क्या वो मुबारकबाद के लायक नहीं है? पुलिस में भर्ती होने को फखर समझते हो, पुलिस वाला बनने में फखर बनते हो, आर्मी ऑफिसर बनने में, सिपाही बनने में तो फखर महसूस करते हो, अल्लाह और उसके रसूल का चौकीदार बनने में फखर क्यों नहीं महसूस करते? उसका शुक्र अदा करो कि उसने हम जैसे नालायकों को अपने दीन का चौकीदार बनाया, अपने दीन का सिपाही बनाया। ये उसका करम है, ये उसका फजल है। वो अगर चौकीदारी लेना चाहे तो किससे ले लेता है? तारीख का बड़ा मारूफ वाक्या है कि ईसाई मुबल्लिगीन मुगलों के सामने, मुगल शहजादे के सामने एक वफ़द लेकर आए और आकर अपने मतालबात और कुछ बातें पेश की। ऐसे में ईसाई मुबल्लिग ने बातों ही बातों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर बकवास करनी शुरू कर दी। मुगलों के पास, शहजादे के पास जो कुत्ता था, वो शिकार के लिए जा रहा था। जो ही मुबल्लिग ने बात शुरू की, कुत्ता भौंकने लगा। तो शहजादे ने कहा कि इस कुत्ते को तेरी बात पसंद नहीं आई। उसने कहा नहीं नहीं ये बात नहीं, मैं असल में बात यूं हाथ कर करके कर रहा हूं, तो इसको शायद गुस्सा आ गया। फिर कुत्ता चुप, वो चुप, फिर बात शुरू की, उसने वहीं से शुरू की। कुत्ता फिर भौंक रहा है, दौड़ रहा है। उसने कहा मुझे लगता है कुत्ते को तेरी बात अच्छी नहीं लग रही। उसने फिर उसी तरह बात आए पाए शाए कर दी। अब जब तीसरी बार वो भौंका और उसने गलाजत बकनी शुरू की, तो ये कुत्ता अब सिर्फ भौंका नहीं, एकदम से जोर लगाया, जस्ट लगाई और उस ईसाई मुबल्लिग को यहां गले से पकड़ लिया और उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक के वो जहन्नम वासिल नहीं हो गया। अल्लाह इंसानों को बताना चाहते हैं, इंसानों अगर तुम मेरे नबी की नामूस के चौकीदार नहीं बनोगे तो मैं जानवरों से अपने महबूब के नामूस की हिफाजत करवा दूंगा। आज अल्लाह का करम है, उसका फजल है कि ये उम्मत इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े वसाइल के बावजूद अगर आज भी कोई मलऊन मेरे नबी की जात पर, मेरे नबी की बात पर किसी तरह की लबकुशाई करे, उम्मत का फर्ज बनता है कि वो पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ मुस्तफा के नामूस का चौकीदार बन जाए। मेरे काबिले एहतराम दोस्तों, सिर्फ नामूस का चौकीदार नहीं बल्कि फरमाया हुब्बे मुस्तफा का तकाजा यह है कि नबी की तमाम निस्बतों की चौकीदारी, जो जो चीज मेरे नबी की तरफ मंसूब है उसकी चौकीदारी करना भी इस उम्मत के जिम्मे वाजिब है। नबी की हदीस की, नबी की जात की, नबी की बात की और जिन जिन जगहों की तरफ, जिन जिन अशखास की तरफ नबी की निस्बत हो गई तो वो भी हमारे लिए काबिल तौकीर बने। लेकिन कुरान के उसलूब पे कुर्बान जाएं
توقیر کا لفظ بعد میں آیا اور مدد کا لفظ پہلے آیا. پتہ یہ چلا جن کے دلوں میں احترام ہوتا ہے وہ مددگار بن جاتے ہیں, اور جن کے دلوں میں احترام نہیں ہوتا زبانی جمع خرچ کرتے ہیں. جن کے لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ صدقے جاواں پر کم نہ آواں, صدقے جاواں پر کم نہ آواں. وہ امت کسی امت کوئی کام کی نہیں, بلکہ امت وہ ہے کہ جو سب سے پہلے کام پھر اس کے بعد صدقے مصطفیٰ کے. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس اہم ترین نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.